yesterday, combination of the sentence and I would like to teach you today class के अंतर्गत सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन. Yesterday I taught you the definition of class. I shall teach you kinds of class today. There are three kinds of class. Class तीन प्रकार के होते हैं. Principal class, प्रधान उपवाद, सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाद और कोऑर्डिनेट क्लास समानपदी उपवाद. तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लास. फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लास, द क्लास दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ फॉर इट्स परफेक्शन एंड क्लेरिटी ऑफ द मीनिंग. ये अपनी पूर्णता के लिए और स्पष्टता के लिए अपने आप में स्वतंत्र क्लास कहलाती है. इट हैज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नाइट वर्क. इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बेस वर्क ये इसकी अपनी होती है और ये स्वतंत्र क्लास होता है. प्रिंसिपल क्लास प्रधान उपवाद इसे इसका नाम रखा गया है. एग्जाम्पल जैसे व्हाट ही सेड, सॉरी जैसे टेल मी मुझे बताओ व्हाई यू आर लेट, तो ये प्रिंसिपल क्लास है टेल मी, क्योंकि इसका ये वर्ब है और इसका ये एक ऑब्जेक्ट है. तो ये प्रिंसिपल क्लास अपने आप में एक स्वतंत्र क्लास है. ओके और जो दूसरा वाक्य लिखा हुआ है व्हाई यू आर लाइक व्हाई यू आर लेट, तो ये वाक है सबऑर्डिनेट क्लास. अंडरस्टूड? तो प्रिंसिपल क्लास समझ में आ गया. द क्लास दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ फॉर द परफेक्शन एंड क्लेरिटी ऑफ द मीनिंग. इट हैज इट्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नाइबर एंड आफ्टर दिस नंबर सेकेंड है सबऑर्डिनेट क्लास. द क्लास दैट इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लास फॉर द परफेक्शन एंड क्लेरिटी ऑफ द मीनिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेबल क्लास. इसको डिपेंडेबल क्लास भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है. ओके जैसे एग्जाम्पल दिया गया है टेल मी मुझे बताओ व्हाट व्हाई यू आर सैड, मुझे बताओ व्हाई यू आर सैड, आप किस लिए दुखी है, तो ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास है. व्हाई यू आर सैड ये सबऑर्डिनेट क्लास. ओके और नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट क्लास समानपदी उपवाद. द क्लास दैट इज कंप्लीट दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ फॉर द परफेक्शन एंड क्लियरिटी ऑफ द मीनिंग. इट इज मेड अप बाय द कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से बनाई जाती है. ओके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जैसे एंड बट ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनसे किसका निर्माण किया जाता है. एग्जाम्पल दिया गया है गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाया, ईश्वर ने गांव बनाया, ये है प्रिंसिपल क्लास. इतना ये प्रिंसिपल क्लास है और एंड द मैन मेड द टाउन, ये एंड से जोड़ा गया है इसलिए कोऑर्डिनेटिव क्लास है. ओके अंडरस्टूड? प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास. आफ्टर दिस काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास. प्रिंसिपल क्लास अकेला होता है और सबऑर्डिनेट के क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के काइंड होते हैं. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास. फर्स्ट है डाउन क्लास, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लास और थर्ड है एडवर्ब क्लास. तो
आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज नाउन क्लास, नाउन क्लास क्या होती है। नंबर फर्स्ट आया नाउन क्लास, नाउन क्लास वर्क्स एज ए नाउन, ये संज्ञा के रूप में नाउन क्लास काम करती है। देयर आर फाइव फंक्शन ऑफ नाउन क्लास, नाउन क्लास के फाइव फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड व्हाट नाउन, तो इसमें व्हाट यू सेड ये पहला फंक्शन है क्योंकि यहां पर वर्ब है, वर्ब के पहले जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर पहला फंक्शन कार्य करता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब यानी व्हाट यू सेड व्हाट नाउन। दूसरा है सेकंड है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्रिया का ऑब्जेक्ट, क्रिया की ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल है जैसे आई सेड, आई से दैट सी इज या सी विल नॉट कम, तो आई से ये वर्ब है और वर्ब के बाद में ये क्लास दी गई है जो नाउन क्लास दैट से जोड़ी गई है। तो जब क्रिया के बाद में जो आता है दैट इज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसका सेकंड फंक्शन कार्य करता है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ओके। और थर्ड है इसका ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे दो सेंटेंस लिखे होते हैं पे अटेंशन, पहला सेंटेंस दूसरा है व्हाट डज योर टीचर से, व्हाट डज योर टीचर से, तो दोनों सेंटेंस एक में मिला के बनाया जाएगा पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, टू से जोड़ दिया गया है इसीलिए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब हो गया, ओके। इसके बाद है सॉरी तीसरा फंक्शन बताया था ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और चौथा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब जैसे द न्यूज इज दैट ही विल डाई इज नॉट करेक्ट, तो न्यूज के बाद इज है अर्थात इज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से जो क्लास जोड़ी जाती है तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब वहां पर ना वो क्लास होता है। इसके बाद लास्ट है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से जोड़ी जाती है जैसे माय फियर इज या इट इज ट्रू दैट ही विल नॉट कम इज करेक्ट, तो इट इज ट्रू, ट्रू एक नाउन है। इसके बाद में जो जोड़ी गई क्लास है वो है क्लास नाउन क्लास, तो इसलिए इसका ये पांचवा फंक्शन होता है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। देयर आर फाइव फंक्शन आर टॉक टू यू, ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक आर दिस फंक्शन एंड आर साइंस ऑफ क्लास इन योर नोटबुक, ओके, दैट्स ऑल।